So, hello student. Today we're going to start with a new chapter, type of microorganism and infection control. So, let's start with the first topic, type of microorganism. Microorganism are tiny living organisms that can only be seen with the aid of microscope. They are categorized into several groups. So, microorganism, वो organism होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे जीवाणु जो होते हैं उनको microorganism बोलते हैं, और वो हम उनको देख सकते हैं विथ ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हम नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते हैं, और वो बहुत ही अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलिमेंथिस एंड प्रियॉन्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विदाउट अ न्यूक्लियस. बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो न्यूक्लियस लैक करते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. ये प्रोकैरियोट्स है, प्रिमिटिव सेल है. जो बहुत ही स्टार्टिंग में जो सेल्स बने हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और वो प्रिमिटिव सेल्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरियाज. देन स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, एस्क्रेशिया कोला एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस. दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया. ये दो एग्जाम्पल बैक्टीरियाज के, और इनके वजह से जो डिजीज कॉज होता है उसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप थ्रोट और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. ट्यूबरक्लोसिस हम सब जानते हैं, टीबी. स्ट्रेप थ्रोट जो होता है गाइज, जब गले में हमें खराश जैसी होती है, हमारा गला दुखता है, थ्रोट बहुत ही पेन होता है, उसको हम लोग स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं. और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत लोगों को यूरिन करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है वो भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है. यहाँ पे तीन बैक्टीरिया के भी एग्जांपल दिए गए हैं, स्पीयर शेप दैट इज कोकाई, रॉड शेप बैसिलाई, एंड स्पाइरल शेप स्पाइरोसाइट्स. स्पायरोशीट्स और स्पायरोसाइट्स. सो बैक्टीरियाज जो होते मेनली और बहुत ही प्राइमरी, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे इनके शेप के वजह से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है. देन सेकेंड है वायरसेस. सो वायरसेस आर द टाइनी इन्फेक्शस एजेंट दैट रिक्वायर अ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट. दैट वायरसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली हमको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनका जो जीनोम होता है, जो वायरल जीनोम होता है वही हमें सिर्फ अफेक्ट कर सकता है. जो इनका वायरल जीनोम होता है वही हमें अफेक्ट कर सकता है. जो एनवलप प्रोटीन का बना होता है वो नॉन इन्फेक्शन होता है, नॉन इन्फेक्शंस होता है. इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हमें नहीं हो सकता है, सिर्फ इनका जो जीनोम है वही हमें इन्फेक्ट कर सकता है. और इस जीनोम को हमें इन्फेक्ट करने के लिए ज़रूरत होती है होस्ट सेल की. होस्ट सेल यानी हमारी ज़रूरत होती है, तभी ये हमें अफेक्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है. अब होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक ह्यूमन बॉडी हो या फिर बैक्टीरिया हो, या कैसे बैक्टीरिया भी अफेक्ट होते हैं वायरसेस की वजह से. देन इसका जो जीनोम है वो हमारे बॉडी के अंदर या बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जाएगा, उसके बाद वो रेप्लिकेट करेगा और डिजीज कॉज करेगा. इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एंड SARS COVID-2. इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से जो डिजीज कॉज होता है वो है इन्फ्लुएंजा, HIV की वजह से एड्स, और SARS COVID-2 की वजह से COVID-19 ऑकर होता है, जो कि बहुत बड़ा पेंडेमिक हो गया था. और वो पेंडेमिक भी वायरल डिजीज की वजह से था. COVID-19 इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायरल डिजीज. देन यहाँ पे थर्ड है हमारे पास फंगाई. सो फंगाई आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर. फंगाई जो है सिंगल सेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. यहाँ पे सिंगल सेलुलर का एग्जांपल दिया गया है ईस्ट, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल दिया गया है मोल्ड्स एंड मशरूम. देन एग्जांपल यहाँ पे दिया कैंडिडा एल्बिकेंस एंड एस्फागिलस स्पीशीज. एस्फागिलस स्पीशीज आर अ काइंड ऑफ मशरूम काइंड ऑफ स्पीशीज, और इसके वजह से जो डिजीज होता है वो है थ्रश, एथलीट्स फुट एंड एस्फागिलोसिस. सो ये डिजीज होते हैं फंगाई की वजह से. कुछ डिजीज के नाम दिए गए जो फंगाइज की वजह से अकर होते हैं हमारे बॉडी में. देन फोर्थ है प्रोटोजोआ. सो प्रोटोजोआ आर द सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सो गाइस, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं. सो पैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी और होस्ट सेल पे चिपके हुए रहते हैं और वो होस्ट सेल को हार्म करते हैं. तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट सेल से चिपके हुए रहते हैं और होस्ट सेल के ऊपर रहते हैं या फिर होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं. और इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम स्पीशीज एंड जियार्डिया लैम्बलिया. सो जियार्डिया लैम्बलिया और प्लाज्मोडियम स्पीशीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ. एंड द डिजीज अकर्ड बाय प्रोटोजोआ आर मलेरिया एंड गियार्डियासिस. देन पांचवा है हेलिमेंथिस. गाइस, प्लैटी हेलिमेंथिस एंड
एस्क्लेमेंथेस जो हम लोगों ने पढ़ा है, राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म, वो हेलीमेंथिस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, पैरासिटिक वॉर्म दैट कैन बी लिव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये जो वॉर्म्स है गाइज वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है दीज आर द पैरासिटिक वॉर्म जो कि स्ट्रिक्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर ये डिजीज़ कॉज करते हैं। एग्जांपल एस्कैरिसिस, ल्यूब्रिकॉइड्स एंड टेनिया सोलियम। सो ये दो डिजीज़ है, यहाँ पे बहुत एग्जांपल है, राउंड वॉर्म है, फ्लूक्स है, टेप वॉर्म है, थॉर्नी हेडेड वॉर्म है। यहाँ पे जो इसका हेड है उसमें थॉर्न्स लगे हुए, इसके लिए इसको थॉर्नी हेडेड वॉर्म्स बोलते हैं। राउंड वॉर्म जो होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है इंटेस्टाइन और द बॉडी, इंटेस्टाइन इनसाइड द इंटेस्टाइन रहता है और वो कॉज करता है इन्फेक्शन द इंटेस्टाइन। ज़्यादातर जो हेलीमेंथिस फैमिली के वॉर्म्स होते हैं वो इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन को और ब्लड को भी अफेक्ट करते हैं। और जो फ्लूक्स है हमारा वो एक लिवर डिजीज़ है, ये लिवर में भी प्रेजेंट होता है और लिवर डिजीज़ भी कॉज करता है। देन इससे जो डिजीज़ अगर होते हैं स्कैरिस होता है, टेप वॉर्म इन्फेक्शन होता है, जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है टेप वॉर्म इन्फेक्शन। एंड देन सिक्स्थ आता है हमारे पास प्रियॉन्स। प्रियॉन्स का एक ऑर्गेनिज्म, इसको नहीं बोल सकते ऑर्गेनिज्म ही है, बट इट्स नॉट अ काइंड ऑफ प्रॉपर हैविंग जीनोम एंड समथिंग लाइक दैट। इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शियस प्रोटीन, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे वायरसेस में देखा था, दे डोंट हैव इन्फेक्शियस प्रोटीन बट दे हैव वायरल जीनोम। जो इनका जीनोम होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, इनका जो प्रोटीन एनवलप होता है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, पर यहाँ पे जो है वो प्रोटीन एनवलप जो है वही इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन एनवलप जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, यहाँ पे जीनोम नहीं है। सो इन्फेक्शियस प्रोटीन दैट कॉज एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन, जो नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन बॉडी के अंदर होता है उसमें जो एबनॉर्मल फोल्डिंग कॉज होता है वो होता है प्रियॉन्स की वजह से, क्योंकि ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे सीजेडी एंड बोवीन स्पॉन्जीफोरम एनसेलोपैथी, बीएससी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स और बीएससी काइंड ऑफ प्रोटीन्स इसके एग्जांपल है। और इससे जो डिजीज़ कॉज होता है वो है सीजेडी एंड बोवीन स्पॉन्जीफोरम एनसेलोपैथी। जो बीएसई जो डिजीज़ कॉज करता है वो है मैड काउ डिजीज़। ये प्रोटीन एबनॉर्मेलिटी जो कॉज करता है वो काऊ में कॉज करता है, गाय में कॉज करता है, और वहाँ पे जो गाय होती हैं वो पागल हो जाती हैं इस डिजीज़ की वजह से। देन नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है इन्फेक्शंस कंट्रोल मेथड। सो इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स आर इसेंशियल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, दीज मेथड इंक्लूड एंड डैश 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 नीचे दिए गए। सो इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स ये क्या है, इन्फेक्शंस कंट्रोल मेजर, जो इन्फेक्शन होते हैं गाइस उसको जब हमें कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है, जो चीज़ें करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड। उसमें पहला आता है हैंड हाइजीन। सो हैंड हाइजीन का मेथड जो है वो है रेगुलर हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर और यूजिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। सो गाइज हमें जो हाथ होते हैं वो रेगुलर वॉश करने चाहिए विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर और यूजिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। जो हैंड सैनिटाइजर मार्केट में यूजली प्रोवाइड है वो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर ही होते हैं, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूस करता है ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो पैथोजेंस हो जाता है और उसकी वजह से डिजीज़ अकर होता है, जो छूने से फैलने वाली डिजीज़ होती हैं वो कम हो जाती है हैंड हाइजीन परस्यू करने से। देन सेकेंड है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में टाइप है ग्लव, मास्क, गाउन्स और फेस शील्ड्स। सो ये चार टाइप है, ग्लव्स जो हाथ में पहनते हैं उसको ग्लव्स बोलते हैं, मास्क आप सबको पता ही है, देन गाउन्स, गाउन्स ऑफ फुल बॉडी गाउन्स पहनते हैं ना डॉक्टर, उसको बोला गया। यहाँ पे फेस शील्ड्स, अ ग्लास काइंड ऑफ फेस शील्ड्स वॉज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द कोविड-19। सो वो है हमारा फेस शील्ड। इसका यूजेस होता है प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर, जो हेल्थ केयर वर्कर है यूजली वही पहनते हैं, डॉक्टर्स नर्सेस वो ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस डिजीज़। जो एक्सपोजर होता है इन्फेक्शन डिजीज़ के तरफ वो है प्रिवेंट हो जाता है, वो नहीं होता है। देन थर्ड है स्टेरिलाइजेशन एंड इन्फेक्शन। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, तो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग मेथड लाइक ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग गाइस इज अ काइंड ऑफ अ मेथड विच इज़ यूज टू
जहाँ पे गाइज ऑटोक्लेविंग जो एक मेथड है उसमें क्या होता है, जो स्टीम होता है ना, जो भाफ जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। प्रेशराइज स्टीम की वजह से जो इन्फेक्शन है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। देन सेकेंड है डिसइन्फेक्शन, रिडक्शन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सेफ लेवल यूजिंग केमिकल डिसइन्फेक्टेंट्स। सो गाइस जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का, सो ये एक एग्जाम्पल है डिसइन्फेक्शन का, जहाँ पर रिडक्शन होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक सेफ लेवल तक, जहाँ तक अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट तो वो हमें हार्म ना करे, उस लेवल तक उसको रिडक्ट कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। देन चौथा है आइसोलेशन प्रिकॉशंस। सो आइसोलेशन प्रिकॉशंस कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा ना हो, जो आप आइसोलेशन रखे पीपल इकट्ठा ना हो साथ में, उसको बोलते हैं आइसोलेशन प्रिकॉशंस। सो यहाँ पे टाइप दिया स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और एयर बोन प्रिकॉशन। एंड देन एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट, जहाँ पे जो ट्रांसफिक्शन हो सकता है इन्फेक्शन एजेंट का ट्रांसमिशन जिस तरीके से हो सकता है उससे हमें बचना है। देन पांचवा है वैक्सीनेशन। देन द फिफ्थ वन वॉज वैक्सीनेशन। सो गाइज वैक्सीनेशन का पर्पस है स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्फेक्शन। हमने देखा था कोरोना वायरस और पेंडेमिक के टाइम पे हमने वैक्सीन्स लिए थे, तो वो हमारी बॉडी में जाके हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और यानी कि बोल सकते हमारे इम्यून सिस्टम को वो जागरूक करता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्फेक्शंस। और वैक्सीनेशन में ज़्यादातर तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मरे हुए डाले जाते हैं या फिर आधा मार के डाले जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म एज अ काइंड ऑफ अ वैक्सीन, ताकि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पहले से ही पता चल जाए कि उस प्रॉपर वायरस उस प्रॉपर बैक्टीरिया से कैसे लड़ना है। सो उस काइंड ऑफ वैक्सीन के वजह से हमें जो प्रॉपर हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वो हो जाते प्रॉपर उसको पता चल जाता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि ठीक है अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो इससे कैसे लड़ना है। देन एग्जाम्पल इसका वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। देन सिक्स्थ एनवायरमेंटल क्लीनिंग, हमारा एनवायरमेंट क्लीन होना चाहिए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरस और बैक्टीरियाज। प्रैक्टिस रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइन्फेक्शन ऑफ सर्फेस एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं हॉस्पिटल्स और यहाँ पे उनको क्लीन प्रॉपर रखना चाहिए। देन रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए हमारे हमें हमारे सर्फेसिस की, हमारे घर की एंड हमारे एनवायरनमेंट की। ऑब्जेक्टिव इसका है रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल ट्रांसमिशन पैथोजन, जो पैथोजन एनवायरमेंटल ट्रांसमिशन होते हैं, जो एनवायरनमेंट की वजह से ट्रांसमिट होते हैं, तो एनवायरनमेंट क्लीन करने की वजह से वो ट्रांसमिट नहीं होते गाइस। देन सातवां है एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप का गोल है ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक एंड अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स टू कॉम्बैक्ट रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का जो यूज़ होता है टू कॉम्बैक्ट, ताकि वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारे इम्यून सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप। स्ट्रैटेजी जो है वो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन डोजिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। उस जो प्रॉपर एंटी माइक्रोब है उस एजेंट है उसका प्रॉपर डोज होना चाहिए बॉडी के अंदर, जिसके वजह से हमारा बॉडी जो है उसको फैलने से या फिर डिजीज़ कॉज करने से रोक पाए। देन एट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो टारगेट ऑडियंस जो हमारा एजुकेशन और जो टारगेटेड ऑडियंस को होना चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट एंड पब्लिक, इनको प्रॉपर एजुकेशन रहना चाहिए अबाउट द डिजीज़ और अ पर्टिकुलर डिजीज़ कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडहेरेंस। सो हमारा एजुकेशन का जो कंटेंट होना चाहिए वो एक इन्फेक्शन को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उससे रोकना कैसे है और वो फैलता कैसे है, प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द डे।